मजदूरां किसानां दे हक्कां दी आवाज़ बुलंद करन वाली नवदीप कौर दी रिहाई दी आवाज़ देश विदेश च गूंजन लगी है, पर साडे अपने मुल्क च सन्नाटा पसरिया होया सी। हालांकि विदेशां तों ट्वीट होए तां नवदीप कौर दी गिरफ्तारी ते गल होण लगी। मीडिया च रिपोर्टां छपन लगियां कि नवदीप कौर कौन है, उस नूं गिरफ्तार क्यों कीता गया, उह किहड़े हालातां विचों लंघ रही है, अते सिर्फ मजदूर किसानां दी आवाज़ चुकण ते इक औरत तों सरकार इस कदर घबरा गई कि संगीन धारावां तहत गिरफ्तार कर उस नाल अत्तवादियां वर्गा व्यवहार किया गया। नवदीप कौर नूं 12 जनवरी नूं सिंघू कुंडली थाने दी पुलिस ने गिरफ्तार किया सी। नवदीप कौर पंजाब दे मुक्तसर साहब जिले नाल संबंधित है। अपने परिवार की माड़ी आर्थिक स्थिति कारण स्कूल तो बाद ही मजदूर वजो काम करना शुरू किया सी, अते इस दौरान ही मजदूरों लई संघर्ष भी करती रही है। वह MAS एक यूनियन का हिस्सा सी जो कि मजदूरों नाल हो रहे दुराचार खास करके तनखाहां की अदायगी ना करन वल ध्यान खिंचन लई दसंबर तो किसानों के विरोध प्रदर्शन विच भी हिस्सा लै रही सी। इसे वजह करके उसनु गिरफ्तार किया गया। रूपी कौर नामे एक यूजर ने एक वीडियो साझी करदिया लिखा है कि नवदीप कौर नु किसानों के हक च आवाज बुलंद करन दे लई गिरफ्तार किया गया है। दलित हक अधिकार एक्टिविस्ट अते मजदूर अधिकार संगठन की मैंबर 24 साला नवदीप कौर 20 दिनों तो वध वक्त तो जेल विच है। उसका संगठन उन्हां वर्कर यूनियन च शामिल है जो केंद्र के नवे खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ किसानों के नाल प्रदर्शन का हिस्सा है। नवदीप कौर नु 12 जनवरी नु सिंघू बॉर्डर तो गिरफ्तार किया गया सी, अरे 2 फरवरी नु उसकी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। उसकी भैन राजवीर कौर का दावा है कि नवदीप नु झूठे इल्जामां च गिरफ्तार किया गया है। जदों मैं उसके गिरफ्तार होने के एक दिन बाद करनाल जेल च उसनु मिलन गई तो उसने मैनु दस्या सी कि उसनु पुलिस पुरश अधिकारियों ने बेरहमी नाल कुटिया है। उसके प्राइवेट पार्ट्स से सट के निशान हैं, अरे तुरंत एक मैडिकल टेस्ट की मांग की गई जिसकी रिपोर्ट अदालत पेश की जाएगी। उस रिपोर्ट में की होया इसके बारे च हाले कुछ नहीं पता लगा है। हालांकि SP जशनदीप सिंह रंधावा ने नवदीप कौर से जोन हमले के राजवीर के इल्जामों नु खारिज किया है अते इन इल्जामों नु आधारहीन दस्या है। राजवीर कहती है कि कारपोरेट अते स्टेट के दमन नु समझण वाले बहुत सारे मजदूर दसंबर च किसानों के प्रदर्शन नाल जुड़ गए सन। नवदीप का ग्रुप भी इन्हां च शामिल सी। वह याद करती है कि किवें उन्हां दी भैन नु प्रदर्शन का हिस्सा बनन दे लई उस फैक्टरी नु छड्डन दे लई कहा गया जिस विचों काम करदी सी। नवदीप कौर अपनी अगे की सिक्ख्या दे लई पैसा जमा करन दे लई कुंडली उद्योगिक खेत्र की एक फैक्टरी च पार्ट टाइम काम कर रही सी। इसे दौरान उथे लेबर यूनियन च शामिल हो गई अते सरगर्म रूप विच आवाज बुलंद कर रही सी। राजवीर ने दस्या कि 28 दसंबर नु जदों उह अते MAS दे होर मैंबर अपने बकाया तनखाह की मांग कर रहे सन तां प्रदर्शनकारियों नूं कढ दिता गया। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों ते एक काउंटर FIR दर्ज कर लई सी। 12 जनवरी नूं एक होर विरोध प्रदर्शन होया जिस तों बाद नवदीप कौर नूं निशाना बनाया गया, गिरफ्तार किया गया, उस दे हत्या की कोशिश अते एक्सटॉर्शन दे इल्जाम लगाए गए। वह अगे दसदी है कि 12 जनवरी नूं पुलिस वल्लों MAS दे मैंबरां नूं रोके जाण दे बाद नवदीप ते FIR च 50-60 पुरशां दे समूह दी नेतृत्व दी अगवाई दा इल्जाम लगाया गया। राजवीर कहिंदी है कि 12 जनवरी नूं MAS टेंट विच वड़न अते उस नूं गिरफ्तार करन तों बाद देर रात तक उस नूं ठिकाने दे बारे च परिवार दे मैंबरां नूं कोई सूचना नहीं दित्ती गई कि उह कित्थे है। कुंडली उद्योगिक खेत्र च UP, बिहार, पंजाब समेत देश दे कई हिस्सों तों 2 लाख तों वध प्रवासी मजदूर हन जो विशेष रूप च हाशिए दे तके होए दलित, मुस्लिम, भूमिहीन किसान जां गरीब किसानां विचों हन। नवदीप पंजाब दे मुक्तसर साहब जिले नाल संबंधित है जिथे उसकी मां पंजाब खेत यूनियन दे लई सरगर्म रूप विच काम करदी है। राजवीर अपनी भैन की रिहाई अते इस मामले विच मनुखी अधिकार संगठनों का ध्यान लियाउण जाण दे लई खड़ी होई है अते लगातार आवाज बुलंद कर रही है। राजवीर का कहना है कि मुख धारा का मीडिया इथों तक कि सिविल सोसायटी भी नवदीप की गिरफ्तारी से चुप्पी साधे हुए है, उसकी रिहाई के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। दस्या के थाने दे अंदर जाके जेडे पुरुष कर्मचारियों द्वारा उन्हें कुटिया गया, पुरुष पुलिस द्वारा कुटिया गया, डंडे नाल कुटिया गया, उदी बैक ते बहुत सारे चोटा दे निशान ने, उदे पैरां तों लगातार ब्लीडिंग हो रही हैगी, उदे प्राइवेट पार्ट्स ते भी चोटा ने। उस तों बाद जदों सानूं पता लग्गिया कि तुसीं जल्दी मेडिसिन पहुंचाओ अंदर जेल दे अंदर, तां जदों मैं उस तों बाद मेडिसिन भी लैके गई, उस तों बाद भी मैनूं पता लग्गिया मेडिसिन भी नहीं पहुंची अंदर। गल तां इह है कि जदों थोनूं अरेस्ट कीता गया थोनूं पुरुष कर्मचारी हथ तक नहीं ला सकदा, इह साडा कानून कहिंदा देश दा, पर जदों थोनूं उत्थे आउण दा सपोर्ट पब्लिकली कुटिया पुरुष कर्मचारियों द्वारा कुटा जाता, फिर तुसी अंदाजा लाओ कि पुलिस कस्टडी के अंदर की होंदा हैगा। हालांकि अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने जेल च बंद श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर दे लई आवाज चुकी। नवदीप नूं सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन दौरान गिरफ्तार किया गया सी, ओह 20 दिनों तों वध जेल च बंद है। अजिहे सवाल मीना हैरिस ने अपने ट्वीट विच चुके सन। मीना ने हाल ही विच
किसान अंदोलन के समर्थन किया। जिस तो बाद कुछ दक्षणपंथी संगठनों ने उसका विरोध किया। मीणा ने अजही एक भीड़ द्वारा उसकी फोटो साड़े जाने की सवाल चुके सन ते उसनू शेयर करदिया यह सब कुछ लिखा। उसने लिखा कि देखना बेहद अजीब है कि एक कट्टरपंथी भीड़ उसकी फोटोग्राफ साड़ रही है। सोचो जेकर असी भारत में रह रहे होंगे होइए तो लोग की करते। वह दसदी है कि 23 साल की श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पुलिस कस्टडी च उत्पीड़न किया गया, उसका जौन शोषण किया गया। उन्होंने बिना बेल दिते 20 दिन तो वक्त हिरासत में रखा हुआ है। मीणा हैरिस ने उसके जौन शोषण होने के भी इल्जाम लगाए सन। जागो पार्टी के कौमांतरी मुखी मनजीत सिंह जीके ने सिंगू कुंडली पुलिस वालों नवदीप कौर की गिरफ्तारी के मुद्दे को चुकया। उन्होंने कहना है कि नवदीप कौर पंजाब के मुक्तसर जिले से संबंधित है। पुलिस ने किसान अंदोलन जोड़ के उसके धरावं लगा दतिया पर किसी जथेबंदी ने उसकी आवाज नहीं चुकी। उन्होंने मीणा हैरिस वालों नवदीप कौर का मसला चुकन से उन्होंने धन्यवाद किया है कि मीणा हैरिस ने नवदीप कौर का जिनसी शोषण होने के इल्जाम लाए हैं। मनजीत सिंह जीके का कहना है कि अब सब नूं अगे आना चाहिए है और मजदूरों के हक लई लड़न वाली नवदीप कौर की रिहाई लई संघर्ष करना चाहिए है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक इशू मैं 3 फरवरी चुकया सी नवदीप कौर जी मुक्तसर की रहने वाली है कि जी पिछले महीने की 12 तरीक तो जनवरी तो अरेस्ट हैगी है, उसनों पुलिस कुटती है। उसनों जी कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसीएशन के बाउंसर कुटते हैं। क्यों कुटते हैं? क्योंकि वह लड़ती है मिनिमम वेजिज वास्ते मजदूरों दवा ली। मौका लग्या, उन्होंने इसते केस फार्मर्स के नाल जोड़ के पवा दिता। उसते कई दफावं लवाइया गई और उसकी बेल पहले MM फिर सैशन तो रिजैक्ट हुई। जदों मैं इशू चुकिया मैं चिट्ठी लिखी CM और थावरचंद गहलोत जिहड़े सेंट्रल मिनिस्टर ने हरियाणा के CM और सेंट्रल मिनिस्टर के अगे मैं केस चुकिया सोशल जस्टिस वालिया के। अफसोस की गल है कोई जथेबंदी नहीं बोलती पई, कोई NGO नहीं बोलता पाया, कोई ह्यूमन राइट्स वाले नहीं बोलते पे। हजारों मीलों दूर 7 समुद्र पार तो मीणा हैरिस जिहड़ी नीस लगती है कमला हैरिस की वाइस प्रेजिडेंट की, उसने इसू अज चुकिया इन्ने दिन बाद। और वड्डी गल की है, मनु जिथे ज्यादा अफसोस हो रहा है वो यह है कि वह लिख रही है कि उसनू सैक्सुअली असॉल्ट किया गया पुलिस कस्टडी के विच। इस तो वड्डा धक्का की हो सकता है? मैं ये पूछना चाहना वा कि यह इशू कौन चुकेगा? अज एक ट्विटर के उत्ते कैंपेन चलती पई है #ReleaseNawdeepKaur जिहदा मैं भी एक हिस्सा हैगा वा। मैं समझदा कि इस मुहिम दे तुसी हिस्सा बनो और जिन्ना रीट्वीट कर सकते हो तुसी इसनू रीट्वीट किया जाए और इसनू जस्टिस दवाइए। और जिहड़ी साडी वकीलां दी सीनियर वकीलां दी फटर्निटी है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट दे विच, उन्हां नू सियो मोटो इहदा कॉन्शियस लैणा चाहिए और यह बच्ची छुट्टनी चाहिए। इहदे वास्ते जागो पार्टी वालों हर किस्म की मदद करन नू असीं तैयार हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आखिर कौन है नवदीप कौर, यह भी जान लईए। नवदीप कौर एक 23 साल की दलित कार्यकर्ता है जो कि मजदूर अधिकार संगठन MAS नाल जुड़ी हुई है। वह दिसंबर च ही सिंगू बॉर्डर से किसानों के विरोध प्रदर्शन च उनका समर्थन करन च शामिल हुई सी। सिंगू बॉर्डर से आने तो पहला वह कुंडली विच स्थित एक कारखाने च काम कर रही सी। रिपोर्टा मुताबक जदों उसने विरोध च शामिल होने का फैसला किया तो उसनू बिना तनखाह दे ही कट दिता गया सी। नवदीप नू 12 जनवरी नू सिंगू बॉर्डर तो गिरफ्तार किया गया सी। तदों उसके परिवार के किसी मैंबर नू इस बारे पता नहीं सी कि उसनू कित्थे लियांदा गया है। बाद विच पता चलिया कि उसनू करनाल जेल च बंद कर दिता गया। हरियाणा पुलिस ने नवदीप कौर से धारा 307 हत्या की कोशिश समेत कई संगीन धारावां लगाईआं हन। उसके खिलाफ होर इल्जाम जिवें जबरन वसूली, घातक हथियारां दा दंगा करना, अपराधिक धमकी देना, लोक सेवक नूं सट पहुंचाउणा वर्गे इल्जाम लगाए गए हन। नवदीप कौर की भैण राजवीर कौर ने यह भी दावा किया है कि पुलिस हिरासत में नवदीप के नाल कुटमार की गई। 13 जनवरी नूं नवदीप की गिरफ्तारी तो बाद उसकी भैण उसनूं करनाल जेल च मिलन गई। देखा कि नवदीप नूं उसके गुप्त अंगां ते भी सट लगी सी। नवदीप के वकील ने यह भी दावा किया कि एक मैडिकल टेस्ट विच नवदीप कौर के शरीर अते निजी हिस्से ते जख्म दिखाई दिते हन। नवदीप कौर पंजाब के मुक्तसर साहब नाल संबंधित है। उसकी भैण राजवीर कौर ने कहा कि वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण फैक्ट्री च काम करन लगी सी। सोशल मीडिया से वायरल हुई एक वीडियो विच नवदीप कौर किसानों के विरोध के बारे च गल करते हुए भी वेख्या जा सकता है कि किवें मजदूर ही इस अंदोलन का हिस्सा हन अते बाद विच इस बारे च गल करते हुए उसनूं देखा जा सकता है। मेरा नाम नवदीप कौर और मैं मजदूर अधिकार संगठन से हूँ और मैं पंजाब से हूँ। हम लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं, मीडिया हो चाहे यहाँ के लोग, यही बोल के किसानों का बोल रहे हैं।
तो आप लोग देखे किसान और मजदूर आपस में जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन देखिए उत्पादन से बनते होते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो किसान है वो खेतों में उत्पादन कर रहा है और जो मजदूर है वो कंपनियों में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही तबके लगातार पीछे जा रहे हैं और सरकार है जो लगातार मजदूर और किसान को बेच के उनके हकों को बेच के अपने पेट भर रही है। पहले हम लोगों ने देखा बैंक बिक गई है, हमारे कॉलेज बिक गए हैं, हमारे स्कूल बिक गए हैं, अभी सड़कें रेलवे पता नहीं क्या क्या बेच दिया है उन्होंने, अभी सिर्फ किसान के खेत बाकी थे और वो भी बेच दिए हैं, जिन फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं वो भी बिक गए हैं और उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि आज हमारा पूरा देश बिक गया है, सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये मजदूरों की लड़ाई भी है, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई भी है। तो हम लोग जब तक एक साथ नहीं आएंगे तो ना तो किसान कामयाब है ना हम लोग कामयाब हैं। तो लगातार से हम लोग देख रहे हैं कि पहले NRC आई है, फिर महिलाओं को लेकर हम लोगों ने देखा है, फिर लॉकडाउन में मजदूरों का हाल देखा है, अब हम किसानों का हाल देख रहे हैं। लेकिन पहले हम लोग एकजुट नहीं थे, अभी किसान आए तो साथ में मजदूरों को आना पड़ेगा वरना यहाँ पे हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हरियाणा पुलिस ने 12 जनवरी नूं कई संगीन धरावां लगा के उसनूं गिरफ्तार किया। FIR दे मुताबिक नवदीप कौर मूल रूप तों पंजाब दी रहण वाली है पर ओह KIA च काम करदी है। इस विच कहा गया कि ओह कथित रूप विच अवैध धन वसूली दा काम कर रही सी अते जदों पुलिस वालियां दी इक टीम ने उस कोल पहुंची तां पुलिस वालियां ते लाठियां नाल हमला कीता गया। अजिहे इल्जाम इस रिपोर्ट विच लगाए गए हन। नवदीप कौर दी वड्डी भैण राजवीर कौर दा कहना है कि पुलिस ने नवदीप दे नाल कुटमार कीती सी। राजवीर कौर दा कहना है कि नवदीप दिल्ली यूनिवर्सिटी तो PhD कीते हुए है। उन्होंने दावा किया कि उसकी भैन KIA च मौजूदा एक यूनिट च काम कर चुकी है पर वह प्रवासी मजदूरों की आवाज चुक रही सी। उसनू अजिही सजा क्यों दिती गई, यह सवाल परिवार पूछ रहा है। केंद्रीय सिंह सभा नाल जुड़े सिख बुद्धिजीवियों ने जेल विच बंद दलित कुड़ी 23 सालां दी नवदीप कौर नूं कानूनी अते माइक सहायता देण दा ऐलान कीता है। केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा दे कैंपस विच इकट्ठे होए सिख विचारवाना ने हरियाणा पुलिस वल्लों कुंडली सोनीपत दे एरिए विच फैक्टरी मालकां दी धक्केशाही विरुद्ध 12 जनवरी नूं मुजाहरा करदी नवदीप कौर नूं फड़ के उस उत्ते तशद्दुद करना अते संगीन IPC दीआं धारावां लगा के उस नूं जेल विच सुट्टण दी सख्त निखेधी कीती है। पंजाब दे मुक्तसर जिले नाल संबंधित वसनीक नवदीप कौर सोनीपत विच मजदूर अधिकार संगठन विच काम करदी है अते उस नूं कुंडली उत्ते चलदे किसान संघर्ष विच शमूलियत कीती सी। पिछले शुक्रवार नूं अमरीका दी वकील लेखक मीना हैरिस, जिहड़ी USA दी वाइस प्रेजिडेंट कमला हैरिस दी भांजी है, ने अपने ट्वीट राही नवदीप की रिहाई की मांग की थी। सो सिख जथेबंदियों वालों केंद्रीय सिंह सभा वालों जेल च बंद दलित लड़की नवदीप कौर की माइक सहायता करन दा ऐलान किया गया है। जेकर तुहानू साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।